गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग चैप्टर 20 कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ महान भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में, यानी साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया, है ना, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, है ना। ऐसे महान वैज्ञानिकों में आते हैं राजा रमन्ना, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर सी वी रमन, एस चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई इत्यादि के नाम आते हैं, है ना। आज के क्लास में हम लोग कुछ महान कवि और ड्रामाटिस्ट, पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट, इट मीन्स कुछ महान कवि और नाटककार जिन्होंने कविताएं लिखी, कविताओं के माध्यम से लोगों को संदेश दिया, कविताओं के माध्यम से लोगों को संदेश दिया और नाटक के माध्यम से भी लोगों को संदेश दिया। ऐसे कुछ महान कवि और नाटककार जो हमारे देश के हैं, उनके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंस अर्लियर टाइम्स म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा फ्लोरिश्ड इन इंडिया। प्राचीन काल से ही हमारे देश में, यानी भारत में, संगीत, नृत्य और नाटक की परंपरा रही है, अपना एक स्थान रहा है। देयर हैव बीन मेनी नोटेड पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट हू लेफ्ट देयर मार्क ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। बहुत ऐसे महान कवि हुए, नाटककार हुए, जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी अपने नाटक के माध्यम से या अपने कविता के माध्यम से। उनमें से सबसे पहला नाम आता है कालिदास का। कालिदास किसी परिचय के मोहताज नहीं है ना। कालिदास इज नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया। ही लिव्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 वर्ष पहले की उनकी उनका जीवन है, है ना। ही वॉज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कवि थे कालिदास। कालिदास रोट हिज पोएट्री इन संस्कृत। हिज वर्क्स कंटेन ग्रैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, पॉलिटिक्स एंड वॉर। हिज बेस्ट पोएम इंक्लूड रघुवंशम, कुमार सम्भवम एंड मेघदूत। ये फेमस रचना है, है ना, मेघदूत कालिदास के द्वारा। हिज फेमस प्ले इज अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की कालिदास ने। कालिदास ऐसा कहा जाता है कि उन्हें माता काली से विद्वता प्राप्त हुई, है ना, ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना, और एक महान कवि और नाटककार कहलाए। और काली, माता काली के अनन्य भक्त कहे जाते हैं, है ना। दूसरा नाम आता है इसमें तुलसीदास का। तुलसीदास जिनके दोहे हम हिंदी में पढ़ते हैं, तुलसीदास जिन्होंने रामचरित मानस की रचना की। तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट पोएट ऑफ आवर कंट्री। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज फेमस एपिक रामचरित मानस। ही वॉज बॉर्न इन 1456 एट राजापुर नियर बांदा।
His mother died soon after his birth. His childhood was spent in utter misery and poverty. तुलसीदास का जन्म 1456 ईस्वी में हुआ था और इनके जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका बचपन बहुत ही कष्टदायक था, है ना, बहुत ही दुख से, कष्ट से, गरीबी से इनका बचपन बीता। ड्यूरिंग दिस टाइम ही डेवलप्ड ए डीप फेथ इन लॉर्ड राम और इन्होंने अपने समय में राम, भगवान राम के ऊपर इनकी अटूट श्रद्धा थी, है ना, जिसको इन्होंने जन जन तक पहुंचाया। ही स्पेंट हिज एंटायर लाइफ कंपोजिंग एंड सिंगिंग वर्सेस अबाउट श्री राम। इन्होंने जो भी रचना की, इनकी इनका पूरा जीवन श्री राम की गाथा और रचना में इन्होंने बिताया। बिसाइड्स रामचरितमानस ही रोट विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जिनके दोहे हम लोग पढ़ते हैं, कई सारे दोहे जो है हम लोग पढ़ते हैं, है ना, हिंदी में गीतावली एंड कृष्णावली, और इन सब में सबसे फेमस इनका इनकी जो रचना थी वह है रामचरित मानस। द मोस्ट फेमस पीस ऑफ लिटरेचर रिटन बाय तुलसीदास अपार्ट फ्रॉम द रामचरित मानस इज द हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा, रामचरित मानस की रचना तो इन्होंने की और राम के, श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान की चालीसा की रचना भी इन्होंने की, है ना। इज अ पोएम प्रेजिंग लॉर्ड हनुमान, जो भगवान राम के अनन भक्त बजरंगबली की चालीसा का भी निर्माण की रचना इन्होंने की, है ना, जिसका हिंदुओं के द्वारा इस चालीसा को, हनुमान चालीसा को पढ़ा जाता है। इसकी इसका खास महत्व है हनुमान चालीसा का। तो यह दिन है तुलसीदास की। इसी श्रृंखला में एक नाम आता है सूरदास का। सूरदास तुलसी कालिदास की बेहतरीन रचना में से एक, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस। रामचरितमानस अब हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के बारे में। सूरदास वॉज अनदर सेंट पोएट। ही वॉज बॉर्न इन ब्रिज नियर मथुरा। मथुरा के ब्रिज में इनका जन्म हुआ सूरदास का। ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड, बचपन से ही अंधे थे। हेंस ही रिसीव्ड हार्श ट्रीटमेंट फ्रॉम हिज फैमिली ड्यूरिंग हिज अर्ली चाइल्डहुड। बचपन में इनको बहुत यातनाएं दी गई अपने परिवार के द्वारा, है ना। One day at the age of six, when he heard a group of devotional singers passing by his home, एक दिन की बात है जब इनकी उम्र 6 वर्ष की थी, तब कुछ भक्ति गायक, है ना, इनके घर से होकर, घर के पास से होकर गुजर रहे थे,
ही सिंपली फॉलोड देम एंड लेफ्ट होम फॉर एवर। और इन्होंने उनका पीछा किया है ना, और इन्होंने घर छोड़ दिया। सुन सूरदास मेमोराइज द एंटायर श्रीमद् भागवत गीता एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग इट टू थ्रॉन्ग्स ऑफ पीपल। इन्होंने पूरा भागवत गीता जिसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं है ना, उसको पूरा याद कर लिया और लोगों तक पहुंचाया है ना। एंड इमर्स हिमसेल्फ इनटू डीप डिवोशन ऑफ टू कृष्णा, और भगवान कृष्ण के ये अनन्य भक्त हो गए है ना। सब्सिक्वेंटली ही वेंट ऑन टू राइट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन हिंदू फिलोसफी एंड भक्ति लिटरेचर है ना। सुर सागर की रचना की इन्होंने, सुर सारावली, और साहित्य लाहिरी की रचना सूरदास के द्वारा की गई। अंधे होने के बावजूद प्रतिभा थी इनमें, संपन्न प्रतिभा थी इनके अंदर है ना। और भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण के अनन्य भक्त हुए, और इन्होंने पूरा भागवत गीता जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है उसको पूरा याद कर लिया। तो ऐसे थे सूरदास, अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की है ना, नाम प्राप्त ख्याति प्राप्त की, जिनका नाम हुआ काफ़ी, और है ना श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त कहे जाते हैं। और इन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों को जो है अपनी रचना में सम्मिलित किया। अगला और लास्ट जो है नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर है ना। इनसे भी, इनके नाम से भी आप सभी भली भांति परिचित हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि की रचना की और हमारा नेशनल एंथम जो है जनगण मन उसकी भी रचना की रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर इज फॉन्डली कॉल्ड गुरुदेव, जिनको गुरुदेव से संबोधित किया जाता था ना। रविन्द्रनाथ टैगोर इज फॉन्डली कॉल्ड गुरुदेव, ही वॉज बॉर्न ऑन 7 May 1861 एट कोलकाता। बंगाल के रहने वाले थे, इनका जन्म 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। हिज फादर्स नेम वाज महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट होम। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई, लेटर ही वेंट टू लंदन टू स्टडी, और बाद में ये पढ़ने के लिए लंदन चले गए। एज ही ग्रू अप हिज इंटरेस्ट इन राइटिंग स्टोरी पोएट्री नॉवेल्स एंड प्लेज ऑल्सो ग्रू। जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनकी रुचि जो है वो लेखन में हो गई, कहानी कविता उपन्यास और नाटक लिखने का काम किया इन्होंने। गोरा, गीतांजलि वेरी फेमस बुक, एंड काबली वाला आर सम ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। काबली वाला इनके एक प्रसिद्ध रचना है, और गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ही ऑल्सो रोट आवर नेशनल एंथम, ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज बुक ऑफ पोएम्स, कविता का संग्रह है इस गीतांजलि में, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1913 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर डाइड ऑन 7 August 1941 है ना, और आज़ादी से पहले, भारत की आज़ादी से पहले इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी रचना ने इनको अमर कर दिया है ना, और हमारे देश का नेशनल एंथम जो इनकी रचना है ना, वह इन्हें
हमेशा जीवित रखेगा। तो ऐसे कुछ महान कवि और नाटककार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कालिदास जिनकी उत्कृष्ट रचना में से एक है अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत और मेघदूत, तुलसीदास जिनकी सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस और साथ ही साथ उन्होंने हनुमान चालीसा की भी रचना की, सूरदास सुर सागर सुर सारावली और साहित्य लाहिरी की रचना सूरदास के द्वारा की गई, और रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीतांजलि जो एक कलेक्शन है पोएम्स का इसकी रचना की, काबुलीवाला की रचना की, और इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें संत कबीर का नाम आता है, जिनके दोहे हम पढ़ते हैं, है ना, जिनके हर दोहे में संदेश होता है ना, अच्छे संदेश होते हैं, वह थे भारत के सोशल रिफॉर्मर्स में से एक। उसके बाद राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने मुस्लिम के उत्थान के लिए कार्य किया, है ना, एजुकेशन यानी शिक्षा पर जोर दिया और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। रामाबाई रानाडे सोशल रिफॉर्मर थी महाराष्ट्र के, है ना, जिनका महिलाओं के बीच एक महिलाओं में सबसे स्थान रखते थे, है ना, जिन्होंने पूना सेवा सदन की स्थापना की जहां लड़कियों को नर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं के उन्नति के लिए इन्होंने कई सारे कार्य किए। उसके बाद कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया और जिनके नाम पे भारत का पहला सैटेलाइट का नाम रखा गया, है ना, आर्यभट्ट। शर्क और सुश्रुत जैसे प्राचीन काल के दो महान चिकित्सक हुए। उसके बाद सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया 1930 में उनके भौतिक विज्ञान में उनके कार्य के लिए, और भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भी कुछ वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। सर जगदीश चंद्र बोस जो वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता थे, होमी जहांगीर भाभा जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस कहा जाता है, जिन्होंने होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और कुछ नाम राजा रमन्ना, एम एस स्वामीनाथन, ऐसे महान एस चंद्रशेखर और विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक इस भारत की धरती पर पैदा हुए। उसके बाद पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट में हम लोगों ने कालिदास, तुलसीदास, सूरदास और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आइए हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की, जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, गीतांजलि
फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ कबीर, बंगाल, वाराणसी, राजपुर, राजापुर, मथुरा, वाराणसी। सेकेंड है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, होमी जहांगीर भाभा। सी में है आपका, ऑप्शन सी है होमी जहांगीर भाभा। थर्ड, इन विच लैंग्वेज डिड कालिदास राइट हिज पोएट्री, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत। संस्कृत में रचना की थी कालिदास ने, है ना। फोर्थ, द फेमस एपिक ऑफ लिटरेचर रिटन बाय तुलसीदास इज रामचरितमानस। रामचरितमानस। फिफ्थ, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर हिज बुक ऑफ पोएम्स इंटाइटल्ड गीतांजलि। गीतांजलि। तो ये आपका है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट आंसर है वाराणसी, सेकंड का होमी जहांगीर भाभा, थर्ड संस्कृत, फोर्थ रामचरितमानस, फिफ्थ गीतांजलि। आप लोग बी सी आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसको आप लोग करेंगे, फिर मैं आपको कल जो है अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको करना है खुद से, बी और सी। बी में है फिल इन द ब्लैंक्स और सी है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।